तो यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 500 स्क्वायर फीट की स्लैब की ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है जो कि 25 फीट बाई 20 फीट है। इसका टोटल एरिया 500 स्क्वायर फीट है। तो इसी में स्लैब की ढलाई हो रही है। तो इस स्लैब की ढलाई में टोटल सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर का मिलाकर कितना खर्च हो जाएगा, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 51 बैग सीमेंट लग गया और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, इस स्लैब बीम की ढलाई में 9 बैग सीमेंट एक्स्ट्रा लगा। तो टोटल मिलाकर 60 बैग यानी कि 60 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम 60 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 1 बैग जो सीमेंट है वो 420 रुपये का मिल रहा है। तो चलिए 420 से हम गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 25,200 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 124 क्यूबिक फीट सैंड लगा और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, इसकी ढलाई में 22 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत एक्स्ट्रा लगी। तो दोनों को मिलाकर आप देख सकते हैं कि 146 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट सैंड की प्राइस की बात करें तो 76 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर 76 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 146 यानी कि 146 क्यूबिक फीट सैंड का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 10,658 रुपये का हमारा सैंड हो गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 186 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, इसकी ढलाई में 33 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी एक्स्ट्रा लगी। तो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि 219 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लगी। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट एग्रीगेट की प्राइस की बात करें तो 78 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने रुपये की एग्रीगेट लग गई। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 17,082 रुपये की हमारी एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें यानी कि सरिये की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्टील लगाई जाती है। तो पूरे स्लैब में स्टील लगाने पर आप देख सकते हैं कि 446 किलोग्राम स्टील लग गई यानी कि 446 किलोग्राम स्टील लग गई जो कि 10 mm की थी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करते समय स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगाई जाती है। तो पूरे स्लैब बीम की ढलाई में 161 किलोग्राम स्टील लग गई जो कि 12 mm यानी कि 12 mm की थी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम को बनाते समय स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से स्टीरअप्स यानी कि एक रिंग लगती है। तो पूरे स्लैब बीम में रिंग लगाने पर 79 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया अलग से लगी। तो चलिए अब इन तीनों को टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल कितना किलोग्राम स्टील लग गई 500 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 686 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई। और यदि हम 686 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिये के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 66 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से स्टील यानी कि सरिया मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 45,276 रुपये की हमारी स्टील यानी कि सरिया हो गई यानी कि 45,276 रुपये की हमारी सरिया हो गई। स्टील के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो इस स्लैब की ढलाई कराने का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका दिया गया था। तो यहाँ पर 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्लैब ढलाई का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका दिया गया था। सबसे पहले यदि हम स्लैब के एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट का जो एरिया है वो 25x20 यानी कि 500 स्क्वायर फीट है। बट आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से स्लैब को बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो यहाँ पर तीन तरफ दूसरों के घर थे तो तीन तरफ थोड़ा भी स्लैब नहीं निकली है, बट सामने की तरफ 4 फीट स्लैब को बाहर निकाला गया था। तो जब सामने की तरफ स्लैब को 4 फीट बाहर निकाल लिया गया तो ये 25 फीट से बढ़कर 29 फीट यानी कि 29 फीट हो गया। तो
तो स्लैब का जो टोटल एरिया हुआ वो 29 फीट बाई 20 फीट हो गया। आप चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल स्लैब का एरिया कितना हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब का जो टोटल एरिया हुआ 580 स्क्वायर फीट हो गया, यानी कि 580 स्क्वायर फीट हो गया। और एक स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए 45 रुपये से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर रेट का कितना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 26,100 हमारा लेबर रेट हो गया। और इस 26,000 में कॉन्ट्रेक्टर की शटरिंग भी थी और शटरिंग को लगाने का जो खर्च हुआ था, लेबर रेट था, वो भी उसी में था। और इसके साथ साथ स्टील को बांधने का और स्लैब ढलाई का जो भी लेबर रेट हुआ था, इसी 26,100 में सब कुछ सम्मिलित था। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर का मिलाकर 500 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,24,316 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 500 स्क्वायर फीट घर के स्लैब ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 1,24,316 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक का खर्च हो सकता है। तो वीडियो में हमने आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। ये हमारा होम प्लान है, इसी का हमने कैलकुलेशन करके बताया था। इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम स्लैब के थिकनेस की बात करें तो 5 इंच रखी गई है। और इसके साथ साथ कंक्रीट की ढलाई करते समय 1:3 रेशियो का कंक्रीट यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।